पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हिमाचल और गुजरात में चुनावों के लिए अलग अलग समय में घोषणा को लेकर ऐतराज जताया। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि हिमाचल की डेट घोषित कर दी गई, बीच में गैप दे दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर उंगली क्या उठाएं, लोकतंत्र में सब ठीक होना चाहिए। तो साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री गुजरात में बैठकर प्रोजेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अपने काम पर ही विश्वास नहीं। हिमाचल में जो आवाज आ रही है उससे लगता है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। पर्सनली कोई उसमें हर जगह मौजूद हो। यहाँ पर हरियाणा में निकल के आई है, किसान में गई और वहाँ पे सभी लोगों से मिल के हमने सारी सबकी मीटिंग भी लगी थी सबका। ये बात है कि कोई बड़ी ऐसी मीटिंग नहीं हुई जिसमें सारे बड़े नेता आ जाते, ऐसी मीटिंग नहीं कर पाए। लेकिन जो मैडम स्टार तो होते हैं हमेशा, लेकिन चंद्रमोहन जी भी जो है वो जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जय प्रकाश, सब जानते हैं, सब मानते हैं। इससे पहले उपचुनाव हारने को तो कितने लोग हारते हैं, जीतते हैं तो चुनाव का रण है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है, क्या बात है, हार जीत से कांग्रेस की बाई इलेक्शन के लिए अलग चीज होती है, नियम बदल दिए जाते हैं। जब नहीं, अब आप ऐसी बात मत करिए, नियम कोई स्थायी नियम नहीं होते हैं, हर चुनाव में बनाया जाता है। कांग्रेस की कमेटी बैठती है कि इस चुनाव में हम क्या अपनाएंगे, ये कोई ऐसा नियम नहीं है। हर स्टेट में, हर जगह, हर चुनाव में जब आम चुनाव आता है तब तो फैसला किया जाता है कि हम इस बार क्या नियम